मुझे ज्यादा ज्यादा खुशी इस बात का है कि न्यू माइक को ज्यादा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखो, जब भी एक नए बच्चे के पास कोई चीज आता है, ये कौन सा गुंडा की तरीका है यार? हमारे एरिया में सारे यहाँ पर जितने भी बिल्लियाँ हैं ना, वो सारे के सारे गुंडे हैं। यहाँ पर देखो, रास्ता बंद किया हुआ है माशाल्लाह से। मैं नज़र नहीं करूँगा कि ये मर जाएंगे, तो इसलिए ना देखो, हर जगह पे हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सब शुभ वशपा नौकरी से तक नौकरी मिला के ता मशम और वशत के मोती YouTube चैनल अगर तन गत शुभ मोनी चैनल सब्सक्राइब ना को दौड़ा अलम सजियम पे सर चैनल ला सब्सक्राइब पे करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन अहम भी जाए। एंड फिलहाल हम से सुबह सर मशोता नाश्ते ही करा। नाश्ता मतलब विषय के पराठा ही करेगा, गर्मा गर्म ताज़े पराठा माशाल्लाह। भले केयर मनी यार यार रंदे यार आधा या सकम सुबह सर शुमारा तुरबत है नाश्ते ही बेकना ही ना भले केयर नाबूत मचों बेकना यार सुबह सर माँ वो केयर मक्श टीम सर पा दी माला माला बोर होते उसकी शूटिंग कैमरा बेकशी उदो फिला हो गए शर शौके ने बेबनाई नहीं भले केयर मचों को उधर रश कश भी पता मर्दों का मैं सर पैर रचा नहीं हमारा वार न दी कि मैं वीडियोज़ बेबनाई नहीं। वो लोग मुझे छोड़ते नहीं हैं कि मैं वीडियोज़ अच्छी तरीके से बना लूँ। केयर इंशाल्लाह ताला एक ना एक दिन हम लोग जाएंगे नाश्ता करने के लिए बाहर इंशाल्लाह ताला। आप लोग बस दुआ करें, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें। अभी फ़िलहाल के लिए यहीं पर घर पे हूँ, यहाँ से नाश्ता करता हूँ। नाश्ता करने के बाद इंशाल्लाह तरफ फिर निकलता हूँ शॉप की तरफ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर ज़रूर सबसे पहले मेरे चैनल उसाम बलोच को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे पता नहीं है कि मैं करूं तो क्या करूं। इसमें मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अकेले दुकान में बैठा हुआ हूं, ऐसे बोर होता जा रहा हूं। पता नहीं क्या करने को है और क्या नहीं है, समझ में नहीं आता यार क्या करूं मैं। कुर्सी इस तरीके से पीछे ले जा रहा हूं, मैं बस गिर ना जाऊं। और मुझे कोई किसी चीज़ का डर नहीं है, मगर मुझे डर लगता है कि कुर्सी से बस गिर ना जाऊं। सबसे मेन मसला यही है कि मैं कुर्सी से बस गिर ना जाऊं। अभी मुझे ज़्यादा ज़्यादा खुशी इस बात का है कि न्यू माइक को ज़्यादा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखो, जब भी एक नए बच्चे के पास कोई चीज़ आता है, वो अच्छी तरीके से चल रहा होता है ना, तो वो बोलता है ना कि मैं हर रोज़ उसी उसी चीज़ को इस्तेमाल करूँ के करूँ करूँ के करूँ। हर किसी दिन वही चीज़ वो बंदा बोलता है कि मैं वही इस्तेमाल करूँ, जैसा कि मैं हर रोज़ करता हूँ। कल भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, आज फिर से बना रहा हूँ, कल फिर से बनाऊँगा। इसी तरह दिल करता है कि मैं हर रोज इसके ऊपर वीडियोस बनाता रहूं बनाता रहूं बनाता रहूं। सर यार, मेरे पास तो कुछ करने को है नहीं, मैं तो सिर्फ ये माइक दे के मैं पागल हो चुका हूं। मेरा तो इरादा यही कि मैं अपने लिए एक बड़ा वाला माइक ले लूं, जो कि रोड माइक होता है, और दूसरा एक होता है बोया का ओरिजिनल जो माइक होता है, तकरीबन 8-10 हज़ार का वो ले लूँ, या फिर DJI का ले लूँ। DJI और रोड मुझे दोनों पसंद है। मैं अक्सरियत आजकल व्लॉगरों को देख रहा हूँ जो डेली व्लॉग्स बनाते हैं, वो इस्तेमाल करें DJI माइक, जो कि तकरीबन 60-70 हज़ार का पड़ेगा। महंगा है थोड़ा सा, हम गरीब बंदे हैं। लोग मुझसे बोलते हैं कि आप यूट्यूब से ज़्यादा पैसे कमाते हो। यार, यूट्यूब पे इतने पैसे नहीं बनते हैं, मैं क्या क्या बताऊँ आप लोगों को। मेरे पूरे एक वीडियोस के अंदर तकरीबन 0 डॉलर्स या कि कुछ नहीं आता, ना आने के बराबर है। मैं अगर आप लोगों को बताऊं, सही तरीके से बता रहा हूँ, मजाक झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही वाला बता रहा हूँ कि इतने इतने एस्टिमेट आते हैं। अगर आपके मिलियन मिलियन व्यूज़ आ जाए ना, तो आप पे आपकी अर्निंग्स अच्छी हो जाएगी, मगर आपके जब तक मिलियन व्यूज़ नहीं आएंगे ना,
आप जितना वीडियोस बना लें उस पर 10-20 व्यूज आ जाएं, उस पर कुछ पैसे नहीं बनते। और आज तो मुझे ये माइक ने मुझे जलील किया, और अलग टॉपिक हो इंशाल्लाह ताला किसी और दिन बात करेंगे। आज का व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो मेरे चैनल सैंपल उसके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय।